आप देख रहे हैं एसजी टेक्निकल। आज की वीडियो में एक ब्लूटूथ ये रिपेयरिंग करेंगे। इसमें क्या है, इसका जो ऑन ऑफ का बटन है वो टूट गया है और इसकी जो बैटरी है वो ख़राब हो गई। आपको चेक करके बता देता हूँ। अगर आपके पास जो ब्लूटूथ में अगर इस प्रकार की बैटरी है तो आप इसे बदल लीजिए। ये बैटरी बहुत कम चलती है। हम इसकी बजाय या तो आप ये बैटरी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी चलती है, और ये नहीं तो आप ये सेल वाली बैटरी डाल सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नहीं चलती है। ये वाली बैटरी थी, अभी हमने ये लगा दी, ये हमारा ब्लूटूथ चालू हो गया। आप ऐसे अपने घर पर आसानी से बैटरी चेंज कर सकते हैं। और इसका जो स्विच का बटन ये टूट गया है, चलो अब इसे रिपेयर करते हैं। बैटरी का कनेक्शन सिंपल है, जो इसका जो लाल वाला है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमें इसे को से जोड़ देना जैसा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ा था। ये हमारा स्पीकर रिपेयर होकर ठीक हो गया है। मैं आपको बता, हमने क्या किया, इसका जो स्विच ख़राब हो गया, मेरे पास दूसरा स्विच नहीं है तो हमने दो वायर डाल के ये देखो ऑन हो रहा है, ये हटाया ये वो चालू हो गया। आप इसका कनेक्शन देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा हो। इसके अंदर यहाँ तीन लेग है, दो हमें अगल बगल के साइड वाली लेग पे वायर लगा देने हैं जिससे ऑन ऑफ होने का सिस्टम हो जाएगा। एक बार और बता देता हूँ, ये देखिए ये हमारे स्पीकर ऑन हो गए। इसे आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। आप ये बैटरी डाले, ये नहीं डाले, इसकी जगह ये डाल लो, या फिर आपके पास एसी नहीं है तो आप मोबाइल की बैटरी डाल सकते हैं। आपका ब्लूटूथ स्पीकर बेस्ट चलेगा। हमारा स्पीकर ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं। आपको एक बार और चेक करके बता देता हूँ। देखो बोलेगा। Unlight, welcome to our music world. Ready to pair.